पांच दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के बाद रवाना हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में होंगे शामिल। नागपुर रोड पर डीडीसी के सामने हुआ भीषण सड़क हादसा, चौपहिया कार चालक ने दोपहिया पर सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, इलाज जारी। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा बैडमिंटन स्पर्धा का किया गया शुभारंभ, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी खिलाड़ी हुए शामिल। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों पर की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ आज अपने पांच दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास कार्यक्रम के बाद रवाना हुए। छिंदवाड़ा से रवाना होने के पूर्व इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वे राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा पांच दिनों तक रहेगी जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। न्याय यात्रा पे बोल रही है यहाँ में आज राहुल जी आ गए न्याय यात्रा में। न्याय यात्रा में सबसे पहले जा रहा हूँ। न्याय यात्रा से जो जनसंपर्क होता है वो सबसे बेस्ट माध्यम है जनसंपर्क का। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा रहेगी, आप कितना टाइम उसको देंगे, कितना समय देंगे और आगे क्या है आपका? देखिए समय तो मैं पूरा दूंगा, पाँच दिन की तो यात्रा है, समय पूरा दूंगा, पर स्थानीय लोग हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। लगातार मोदी जी जो है वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? करेंगे अटैक, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी सफाई दे नहीं सकते तो कांग्रेस को अटैक कर। नागपुर रोड पर डीडीसी कॉलेज के सामने आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 58 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुजुर्ग दीपक चौरसिया टू व्हीलर से नागपुर रोड चंदनगांव की तरफ से आ रहे थे जिन्हें चौपहिया कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टू व्हीलर चालक गाड़ी में ही फंस गया जिसके बाद बेरहम चौपहिया वाहन चालक बुजुर्ग को लगभग 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। आसपास के क्षेत्रवासियों ने यह घटना देख कार चालक को रोका और तुरंत ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने चौपहिया वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग का इलाज जारी है। क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये सर गाड़ी निकल रही थी यहाँ से टू व्हीलर, वो पीछे से आके इन्हें मार दिया। गाड़ी किस तरफ से आ रही थी? फोर व्हीलर गाड़ी इस तरफ से, चंदनगांव तरफ से। अच्छा, और जिनका एक्सीडेंट हुआ वो काय में थे? वो टू व्हीलर में थे। कितने लोग थे टू व्हीलर? एक ही। और कार में? कार में का नहीं पता। अच्छा, तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि गाड़ी पड़ी हुई थी, पहचान की जब तक हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया था उनको, फिर उसके बाद हमें गया तो सरकारी हॉस्पिटल से उनको ला के पवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विधिवत शुभारंभ आज स्थानीय ओलंपिक बैडमिंटन स्टेडियम में किया गया। स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जिले के सभी वर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिसमें प्रमुख रूप से सौंसर, पांडुना, चौरी, अमरवाड़ा, बिछुआ एवं कोलांचल के पेच कनान क्षेत्र की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में फाइनल चयन के उपरांत चयनित खिलाड़ी 2 मार्च से आयोजित संभाग स्तरीय ओपन आमंत्रण प्राइज मनी प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
प्रतियोगिता में 25,000 की नगद राशि खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु प्रदान की जाएगी। इस स्पर्धा में होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट, नरसिंहपुर व कोलांचल के प्रतिष्ठित खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिन्हें आयोजन समिति द्वारा हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु समाज सेवी नरेंद्र साहू, अभिषेक पाटनी, राहुल बैदमुथा, स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, हाजी एस आई खान, अनिल जैन, एस एल खत्री, आर एस नेमा, एम एम सिंह, तरुण विश्वकर्मा व अरविंद गिरिटकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चे इस बार अपना पूरा ध्यान अपने क्रिकेट के जैसे सभी खेल पे, बैडमिंटन में जो आप है बैडमिंटन में जिस खेल से जो संबंधित है, निश्चित ही एक जगह आगे बढ़े और हमारे छिंदवाड़े का नाम ऊंचा करे, यही मेरी कामना है। अभी राहुल जी ने भी बोला कि फोकस रहिए और खेल जीवन का अहम हिस्सा है और जितना आप फोकस रहेंगे उतना ग्रो करेंगे, उतने अच्छे खेल सकेंगे। तो सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, ऐसे ही खेलते रहिए और ज़रूर मोबाइल से दूर रहिए, डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू सो मच। आपको जैसे हर बार मैं बोलता हूँ कि हमारा जो टूर्नामेंट बैडमिंटन का हमेशा चलते रहता है, बारों की बारों मैंने, और आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कुछ ना कुछ बारीकी इसमें सीखें और आपके लिए हम स्टेट टूर्नामेंट ओपन करा रहे हैं, जिससे कि बाहर के जो खिलाड़ी आएंगे उन्हें आप उनके गुर सीखें, आप लोग अच्छे से खेल देखें, उनका कुछ सीखें। मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। पिछले बार भी मैंने बोला था, मोबाइल जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी और आपके पढ़ाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए हानिकारक है। तो इसलिए आप लोग मोबाइल से बहुत दूर रहें, रील से बहुत दूर रहें, पढ़ाई में ध्यान दें और खेल में ध्यान दें, खेल में रुचि रखें, आप कुछ ना कुछ आप सीखें। आगे भी हम इसी प्रकार आपको टूर्नामेंट कराते रहेंगे, इसी प्रकार आपको हम स्टेज देते रहेंगे। मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि हमारे से छोटे से हमारे बुलावे पे आप आ गए, और सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, सभी को बधाई शुभकामना देता हूँ कि आगे भी हम इसी प्रकार टूर्नामेंट करते रहेंगे और आप अच्छे से खेलें, आगे बढ़ें, अपना नाम और अपने पिताजी का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के सफल संचालन की आवश्यक तैयारियों के लिए 2 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के साथ कलेक्टर पांडुर्ना, पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री, पुलिस अधीक्षक पांडुर्ना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 7 है, मतदान केंद्र 1934 है। मतदान केंद्रों की युक्तकरण के संबंध में जानकारी इस प्रकार है, 1939 मतदान केंद्र है। विधानसभा से कराने के लिए ये जो टीमें आज यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। उसके कारण मैंने और एसपी साहब ने तय किया कि एक साथ बैठ करके एक बार आप लोगों से चर्चा करके एक निर्देश दे दें कि हम लोग क्या चाहते हैं, निर्वाचन आयोग के क्या निर्देश हैं, उनका कैसे पालन करना है। इसमें किसी के विवेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो निर्देश हैं उस हिसाब से कार्रवाई सभी को करनी होगी, ऐसा मेरा सोचना भी है और निर्देश दिए भी है। तो बैठक की शुरुआत में मैं चाहूँगा एसपी साहब आप अपनी तरफ से अगर कुछ निर्देश देना चाहें तो करें। फिर उसके बाद अपन ने बैठक रखी है राजस्व पुलिस अधिकारियों की, तो पूर्व में भी आप लोग जो विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छे से अपने इस जिले में संचालित किया था। लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में काउंटिंग अगर एक भी जगह चालू है या कोई भी प्रक्रिया चालू है तो ओवरऑल रिजल्ट पे प्रभावित होता है। और इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, तो इसमें हर बार बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स होते हैं। अभी निश्चित मान के चलिए कि आप लोगों को इस जो चुनाव की कार्रवाई के साथ साथ बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएँ भी करनी पड़ेंगी, बहुत सारे जुलूस निकलेंगे, उसमें बहुत बड़ी बड़े लेवल की आम सभाएं होंगी, उसकी व्यवस्था होगी। वीआईपी सिक्योरिटी आपका एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है, वो भी इसके साथ साथ रहेगा। और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे इसी दौरान जो ये मेले इत्यादि हैं, इनकी ड्यूटियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बाकी अपने सामान्य कार्य तो चलते ही रहते हैं। और जो कार्रवाई के कारण जो क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है दोनों स्तर पर, कहीं भी वॉन्टिंग ना पाए जाए, कहीं भी हमारी कार्रवाई पूर्व से कम भी ना रहे और क्षेत्र में पर्याप्त दबाव रहे आपराधिक तत्वों पे और हमारी निगरानी पे, किसी भी तरह का चुनाव प्रभावित करने की कोई प्रयास ना हो सके। हॉकी संघ की एक विशेष बैठक आज जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में जिला ओलंपिक स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें 6 मार्च से हॉकी प्रतियोगिता कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में आगामी जिला स्तरीय DHS हॉकी नॉट आउट प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु रूपरेखा बनाई गई और सभी पदाधिकारियों द्वारा 6 मार्च से यह प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका समापन 10 मार्च को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। यह प्रतियोगिता नागपुर रोड स्थित इनर ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। बैठक में विशेष रूप से हॉकी संघ के नावेद खान, सचिव सारिक सिद्दीकी, उपाध्यक्ष जावेद खान, राशिद खान, फिरोज खान, सैयद अस्सू अली, शेख सिराज, रेहान खान, रत्नेश कुमार, दीवांशु कपाले व हॉकी संघ के पदाधिकारी सहित हॉकी क्लब के खिलाड़ी उपस्थित रहे। मैं सीधे निवेदन करूंगा कि इंद्रजीत भाई से कि वो इस बारे में अपना जो है मार्गदर्शन प्रदान। जैसा कि आज हमारे जिला हॉकी संघ की बैठक ली गई है, जिसमें बहुत दिनों से हमारा पेंडिंग है हॉकी टूर्नामेंट कराने का, हमारे पास ग्राउंड उपलब्ध न कराने के कारण हमने स्टेट टूर्नामेंट का भी पहले अनाउंस किया था, तो ग्राउंड ना होने के कारण हमने अभी DDC में वहाँ बात किया है, तो इस बार इनर ग्राउंड में हम जिला हॉकी टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, जो कि 6, 7 और 8 तारीख को छुट्टी क्योंकि शिवरात्रि है और 9, 10 को उसका समापन करेंगे, तो जिसमें सभी हॉकी संघ के पदाधिकारी और सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग इस बार अच्छा तरीके से टूर्नामेंट कराएंगे, जिसमें कि आगे भी बच्चों को प्लेटफार्म मिलता रहे और आगे हम स्टेट कराएंगे, अगर ग्राउंड मिल जाता है तो 100% इस बार स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे। वहाँ पे पुलिस ग्राउंड में हम पहले कराते थे, तो वहाँ पे अभी मनाई हो गई है
और इसके कारण हमारे पास ग्राउंड ना होने के कारण हम इसको आगामी जब भी ग्राउंड की उपलब्धता हो जाएगी तो हम इसमें स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे। सभी खिलाड़ियों से और सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदस्थ ए.एल. मरावी को आज सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में महापौर विक्रम आहाके, उपसंचालक डॉक्टर एच.जी.एस. पक्षवार, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश निरापुरे, डॉक्टर एम.के. मौर्य, डॉक्टर प्राची चड्डा के साथ ए.एल. मरावी के पारिवारिक सदस्य व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने श्री ए.एल. मरावी के कार्यकाल को याद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा शॉल, श्रीफल व मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया। यदि अपनी पूरी सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है बगैर तापी तो जो खुशी की बात है, दुख की बात यह है कि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो विभाग को बहुत बड़ी क्षति होती है। और मरावी जी का तो जैसा कि पहले वक्ताओं ने बोला, मैंने भी जो है देखा, कभी कभी मैं 10:30 बजे ऑफिस आता था तो सबसे पहले मरावी जी यहाँ प्रेजेंट करते थे, छुट्टी के समय ही वापस जाते थे और कभी भी इधर उधर ऐसा अनावश्यक घूमने का उनका कोई व्यवहार नहीं था। सबसे हंसी खेल और बिल्कुल मिलनसार, मधुर और आकर्षक व्यक्तित्व थे। तो आज उनकी सेवानिवृत्ति पर हमारे पशु चिकित्सा परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति है, ऐसा मेरा मानना है। मरावी जी के सम्मान के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि महोर जी ने बताया कि मैं महापौर के रूप में नहीं बल्कि आदरणीय मरावी जी के बेटे के रूप में, उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुआ। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और निश्चित तौर पर आदरणीय मरावी जी से लगभग 10-12 साल पुराना संबंध रहा है उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में। नीलू मरावी और तुषार और छवि, इनके माध्यम से ही मुलाकात आदरणीय अंकल जी, आंटी जी से हुई थी और अनेकों बार घर जाकर इनका आशीर्वाद लिया, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। और एक बार ऐसा समय आया था कि कुछ इलाज के लिए नागपुर जाना हुआ था तो आदरणीय अंकल जी ने मुझे उस समय बोला था 10 साल पहले कि चलो विक्रम चलते हैं। तो मैं एक दिन पूरा नागपुर ट्रीटमेंट करा के आए थे और उस दिन जब मैं एक दिन पूरे साथ रहा अंकल जी के साथ, तो जैसी यहाँ से हम निकले थे जो सौम्यता, जो ताजगी उनके यहाँ से निकलती हुई थी, हम नागपुर से 24 घंटे के सफ़र करने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो वैसे ही उनका हालचाल था, बिल्कुल वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनका स्वभाव एक जैसा रहता है। आप लोग अगर दो मिनट में आपको फोन लगा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं वहाँ नहीं, एक सेकंड है, मेरे कार्यक्रम अब भी जस्ट 2 मिनट पे लगाया आपको जी। मैं अतरलाल मरावी, क्या बोलते हैं, 5/1/90 से सर्विस करते हुए 34 साल की सेवाएं पूर्ण करने के बाद में आज माने दिनांक को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छी में माने हर चीज़ें, ऑफिस माने हर आदमी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे उपसंचालक महोदय, हर चीज़ें, कर्मचारीगण, ये सब लोगों ने बहुत माने से। मैं प्रगणक के पद पे, पहली भर्ती मेरी 5/1/90 को प्रगणक के पद पे मैं दमोह में, जिला दमोह, इसके बाद मैं दमोह से मेरा ट्रांसफ़र हो गया राजनांदगांव, राजनांदगांव से बालाघाट और बालाघाट से रायपुर डायरेक्टेड में रहा, रायपुर से फिर बालाघाट आया और 9/4/2007 को मैं क्या छिंदवाड़ा में जो आया, तो अभी तक के मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। बस मैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। पशुपालन एवं डेयरी विभाग कार्यालय उपसंचालक, मैं आज श्री अतरलाल मरावी जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं, उनका 29 तारीख को रिटायर हो गए थे, 29 फरवरी को, आज उनका विदाई समारोह रखा गया है और आज सभी पशुपालन परिवार की ओर से उन लोगों को बधाई देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट की,
सॉल श्री फल से उनका स्वागत किया गया और उन्होंने जो पशुपालन विभाग में 34 वर्ष की सेवाएं दी उसके लिए सभी विभाग की ओर से शुभकामनाएं दी गई और उनको लास्ट में एक सूटकेस दे के सम्मानित भी किया गया और उनके अनुभव साझा भी किए गए। मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मरावी जी के जो सेवानिवृत्त होने पर उन्हें ईश्वर हमेशा खुश रखे और इसी प्रकार से उनके उज्ज्वल वंश की मैं कामना करता हूं। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। परासिया रोड नोनिया करवल स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में 2 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 1 मार्च की शाम साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। यह पालकी यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस साईं मंदिर पहुंची, जहां विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। वहीं 2 मार्च को सुबह साईनाथ महाराज का अभिषेक, पूजन, आरती व हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर समिति द्वारा बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए और देर शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हर्ष का विषय है कि आज परासिया रोड साई धाम साई मंदिर नोनिया करबल में साई बाबा की स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह काकड़ आरती और बाबा का मंगल अभिषेक हुआ और दोपहर में हवन और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उसके बाद भजन संध्या का भी आयोजन है और सभी साई धर्म भक्तों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम में आकर पुण्य लाभ अर्जित करें एवं समिति को सहयोग प्रदान करें। आगामी 17 मार्च से जैन दर्शन का अनादि निधन शाश्वत महापर्व अष्टानिका का मंगलमय शुभारंभ होने जा रहा है,
जिसे भक्तिभाव से मनाने के लिए स्वाध्याय भवन में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की विशेष बैठक संपन्न हुई। बैठक में 9 दिवसीय मंगल महोत्सव को श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय एवं वीतराग भवन अहिंसा स्थली गोलगंज में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा सहित आयोजक एवं विद्वानों के आमंत्रण का निर्धारण किया गया। स्वाध्याय भवन में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम 9 दिनों तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना करेंगे और जिसका सौभाग्य मिला है हमारे जिन शासन सेवक फेडरेशन के संरक्षक भाई प्रकाश जी, अनुभव जी और निशांत जी, अहिंसा परिवार को, और इसी के साथ पूरे कार्यक्रम के विधानाचार्य रहेंगे हमारे आदरणीय पंडित श्री शिखर चंद जी शास्त्री जी, जो हमारे क्या कहते हैं पिलावा से पधार रहे हैं, इनके साथ में विधानाचार्य में सहयोग करेंगे हमारे युवा भजन गायक देवेंद्र जी ग्वालियर, और विशेष रूप से विद्वानों का समागम मिल रहा है हमारे युवा विद्वान अनुभव जी मंगलारती करेली और साथ में अभय जी शास्त्री खैरागढ़ से। प्रतिदिन सुबह का कार्यक्रम हमारा आदिनाथ दिगंबर जिनालय गोलगंज में होगा और संध्या का कार्यक्रम वीतराग भवन में होगा। विधान के साथ में मंगल प्रवचन, जिनेन्द्र भक्ति, विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्यक्रम मंडल फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला की ओर से किया जाएगा। आज हमने स्वाध्याय भवन में इसकी बैठक किया, बड़ा उत्साह है अष्टानिकल को लेकर। मैं मंडल एवं फेडरेशन की ओर से आपको सभी ने आमंत्रित करता हूँ कि 17 मार्च से हम सब मिलकर फाल्गुन मास के अष्टानिका महापर्व की आराधना करते हुए हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ लेंगे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 5 दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के बाद रवाना हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में होंगे शामिल। नागपुर रोड पर ईडीसी के सामने हुआ भीषण सड़क हादसा, चौपहिया कार चालक ने दोपहिया पर सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, इलाज जारी। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा बैडमिंटन स्पर्धा का किया गया शुभारंभ, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी खिलाड़ी हुए शामिल। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों पर की चर्चा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।